नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस परीक्षा की। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ा खेल हो गया छात्रों के साथ में। केवीएस कटऑफ पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी लगातार कह रहे थे कि सर केवीएस भर्ती की आप कटऑफ का वीडियो क्यों नहीं बना रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीलर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चचू प्रकाशन की बेस्ट बुक को ले सकते हैं। बिहार डीलर एंट्रेंस एग्जाम का जो भी सिलेबस है, जो पैटर्न है 120 क्वेश्चन वाला, उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। इस पुस्तक में 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और 2 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। बिहार डीलर एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। वहीं पर बिहार डीलर एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी गाइड भी आती है, जिसे आप लोग देख रहे थे अभी, और बिहार डीलर एंट्रेंस का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे ये पुस्तकें आपको सभी कॉपी किताबों की दुकानों में भी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। केवीएस परीक्षा रद्द करने की मांग, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए, इसको लेकर के विद्यार्थी ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर केवीएस के विभिन्न पदों पर लगभग 13,404 पदों पर वैकेंसी आई थी और इसके साथ फरवरी से परीक्षाएं चल रही। बच्चे एग्जाम से नहीं, हमको डीवीआर का चाहिए ना, डीवीआर हम चाहते हैं। हाँ, एग्जाम बच्चा देने को तैयार ही नहीं है, सब बाहर घूम रहा है, सब बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, पूरा सिस्टम बंद कर दिया गया, हाँ चला गया सिस्टम बंद कर दिया, आधा चला गया। अब हम जबरदस्ती एग्जाम दिलवाए। कई जगह विद्यार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया, विद्यार्थियों ने क्लास छोड़ दिया क्योंकि पुर्चियां मिल रही थी छात्राओं के पास में, छात्रों के पास में चिट मिल रही थी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्लासरूम पूरा खाली है इस समय और प्रबंधक वगैरह परेशान है कि कर विद्यार्थी परीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये पेपर इस तरीके से लीक क्यों। अभी केवीएस पीआरटी का एग्जाम चल रहा था, 3 से 6 का शिफ्ट था। अभी आप टाइम देख सकते हैं कि 5:18 हुआ है और उससे पहले ही सेंटर बंद कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर सेंटर पे सेटिंग चल रहा है। और देखिए अभ्यर्थी से बात करते हैं, बताइए सर क्या देखा आपने। हम लोग पीआरटी केवीएस का एग्जाम देने आए हुए हैं, पीआरटी प्राइमरी टीचर। जी जी, जैसे 3 बजे हम लोग का शिफ्ट था, 3 से 6, जैसे ही 4 बजा है तो पता चला है कि एक महिला पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ लेके बैठ के परीक्षा दे रही थी। देखिए तो हम लोग इस पर आवाज उठाए हैं, यहाँ का सब जो सेंटर मैनेज किया हुआ है सब मिल गया, जाने दिया। तो ये देख रहे हैं आप लोग, मुजफ्फरपुर की बात हो रही है और मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, पूरे देश के कोने कोने के सभी परीक्षा केंद्रों का यही हाल है। वैसे भी इस समय बीएड छात्रों के बुरे दिन चल रहे हैं। मैंने हमेशा से कहा था, बड़ी मुश्किल से बीएड छात्रों के लिए एक वैकेंसी आई थी केवीएस की और उसमें भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा पटना, आरा, गया, मुजफ्फरपुर केंद्र पर हुआ खेल। ये देखिए पटना, आरा, गया, मुजफ्फरपुर केंद्र पर हुआ खेल, केवीएस टीजीटी परीक्षा में सेंध रिमोट पर सिस्टम लेकर के सॉल्व हुआ प्रश्न पत्र। बात हो ये बिहार के जिलों की, मैं दिखाता हूं कि भारत के कितने राज्यों में कितने सेंटर पर नकल हुई है। ये देख लद्दाख ले डिस्ट्रिक्ट की न्यूज है ये, और ये न्यूज है एएनआई की सरकारी न्यूज है। ले लद्दाख लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ ले हैज अनअर्थ केवीएस टीजीटी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एग्जाम स्कैम। और यहाँ मॉनिटर की बहुत सारी जो फोटो वगैरह है वो इकट्ठी हुई और यहाँ पर भी कई गिरफ्तारियां हुई, बात हो रही है ले लद्दाख। ये देखिए लिखा ले पुलिस क्रैक केवीएस रिक्रूटमेंट एग्जाम रैकेट। ये आप ले की खबर देख रहे हैं। अब ये आज की खबर देख लीजिए, यहाँ पर आज की डेट पड़ी हुई है, 1 मार्च की डेट है। यहाँ पर ले छोड़िए, ये मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर पर कदाचार, जो मैं अभी आपको वीडियो दिखा रहा था, अटेंडेंस सीट पर छिपा उत्तर लिखा पेज दे रहा था इन्विजिलेटर, जो अब रफ कॉपी दी जाती है कुछ लिखने के लिए, उसी में पूरे आंसर लिखे हुए थे। और लिखा दूसरे छात्रों ने किया हम हंगामा और यही छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया था, जो वीडियो आपने देखा। लिखा केवीएस केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षा में शहर के बौरिया दादर स्थित मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर पर सेटिंग से नकल कराए जाने का आरोप लगा करके अभ्यर्थियों ने जमकर के हंगामा किया। मुजफ्फरपुर ले हो गया, लद्दाख। अब आइए बनारस और प्रयागराज। बनारस और प्रयागराज के जब तक सालवर न पकड़े जाए, माफिया न पकड़े जाए, तब तक कोई भर्ती पूरी नहीं होती, ऐसी कहावत है। और यहां पर भी आ गए आपके प्रयागराज और बनारस के सालवर।
तो यहाँ पर लिखा है कि केवीएस शिक्षक भर्ती में हैकर समेत 21 धाराएं। केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में एसटीएफ की अलग अलग टीमों ने शनिवार को हरियाणा के पर्वत, देखिए लेह लद्दाख मुजफ्फरपुर आरा उत्तर प्रदेश के बिहार उत्तर प्रदेश के बनारस और प्रयागराज और यहां पर हरियाणा के पलवल, यानी कि हरियाणा के पलवल में बैठा गिरोह कर रहा था। तो इतने सारे राज्यों में इस तरीके से व्यापक नकल हो रही है। अब आप लोग बताइए कि इसकी कटऑफ की वीडियो मैं कैसे बना दूं, और यही रीजन है कि मैंने इसका एक भी कटऑफ का वीडियो अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि ये आइडिया ही नहीं लग पा रहा कि आखिरकार इसमें जो हैकर्स हैं उन्होंने कितने प्रतिशत सवालों को सही किया होगा, एक्यूरेसी कितनी होगी। और तो और छोड़ दीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं एपटेक कंपनी का सिटी हेड भी गिरफ्तार हुआ, जो परीक्षा करवाती है जो एजेंसी उसका सिटी हेड खुद नकल करवा रहा था। यहां पर लिखा भी है कि सालवर गिरोह के से मिली भगत के साक्ष्य मिले, 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। और यहां पर लिखा कि मनीष को प्रति अभ्यर्थी 1 लाख और टेक्नीशियन को 20,000 दिए जाते थे। जो एनीडेस्क की जो कंप्यूटर की क्लोनिंग होती है उसके एवज में जो कोड वगैरह जो बताया जाता है, पासपोर्ट वगैरह, जिससे आसानी से कंप्यूटर हैक हो सके। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बात केवीएस की नहीं है, बात है उत्तर प्रदेश समेत भारत के जितने भी राज्य वहां पर जो नकल चल रही है, पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा माफिया हावी है, सरकार लाचार है, सरकार बेबस है, सरकार बेबस कहें या सरकार की उदासीनता कहें, इस भ्रष्टाचार पर रोक लगना चाहिए। और लिखा है कि एपटेक कंपनी जिसका ये सिटी हेड गिरफ्तार हुआ है, जिसकी फोटो आप लोग देख रहे थे, एपटेक कंपनी ही शिक्षक भर्ती या ऑनलाइन परीक्षा करवा रही है, जो एजेंसी करवा रही है उसके जो कर्मचारी हैं वो खुद ही नकल करवा रहे हैं। तो यहां पर इस तरीके से लगभग लगभग प्रत्येक राज्य से पेपर लीक की खबरें, कंप्यूटर क्लोनिंग की खबरें निकल करके आ रही है, पेपर आउट की खबरें निकल करके आ रही है। समझ में नहीं आता कि सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है या प्राइवेट लोगों के भरोसे लगातार चली जा रही है, ये उसी का नतीजा है। और ये बात यहां पर लिखी भी है कि आखिरकार सरकार अपनी एजेंसी क्यों नहीं बनवाती है, और बात सरकार की एजेंसी को बना भी लेगी तब भी ये रुकने वाला नहीं है जब तक सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति सही नहीं होगी। यहां पर देखिए लिखा भी है कि आखिरकार ये तो प्राइवेट एजेंसियां प्राइवेट कंपनियों को ठेका क्यों दिया जाता है। केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा में धांधली का प्रयास उजागर होने के बाद एक गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। पुलिस अफसरों का कहना है कि आखिरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को क्यों दी जाती है। पहली बात, प्राइवेट विद्यालयों में पहली बात तो परीक्षा सेंटर ना बनाया जाए, जितनी भी शिकायतें आती हैं ज्यादातर वो प्राइवेट परीक्षा एजेंसी और प्राइवेट जो ये सेंटर होते हैं, जो एग्जाम सेंटर होते हैं ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, सबसे ज्यादा जो सूचनाएं भ्रष्टाचार की होती हैं वो इन्हीं विद्यालयों से होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा लेखपाल भर्ती और बहुत सारे विद्यालय जो नकल करवाते हैं, और ये विद्यालय ज्यादातर निजी विद्यालय होते हैं। टीजीटी का पेपर भी आउट हुआ, ये देखिए सिवनी के कोचिंग सेंटर से जुड़े 3 आरोपियों के। ये वीडियो तो लगभग प्रत्येक विद्यार्थी ने देखा होगा किस तरीके से ये हैकिंग करके घर बैठे सॉल्व कर रहा था। ये 3-4 विद्यार्थियों की परीक्षा अकेले दे रहा था और यहाँ पर पुलिस पहुंच गई थी। आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। फिलहाल तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ये जो बात है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों, शासन, सरकार, इत्यादि पर जाए, परीक्षा प्रणाली में कुछ सुधार हो सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।